अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ। तो आज हम बनाने वाले हैं जावा नूडल्स के तरीके से, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे और स्पाइसी तरीके से बनाएंगे हम। तो चलिए मैं आपको रेसिपी देने वाली हूँ किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हैं, आप सब्जी अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हो। तो यहाँ पर मैंने आधी बंद गोभी ली है, और एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, एक बड़ी शिमला मिर्च ली है, और यहाँ पर दो मैंने गाजर ली है। इस तरह से चॉप कर लिया है मैंने सब्जियाँ। और यहाँ पर मैंने आलू की प्याज ली है, एक लहसुन अदरक लिया है मैंने, इस तरह से चॉप कर लिया है। यहाँ पर एक हरी मिर्च ली है, इस तरह से चॉप कर ली। और यहाँ पर ली है मैंने बीन्स, 3 से 4 बीन्स ली है मैंने, इस तरह से काट लिए हैं। तो फ्रेंड मैंने सारी सब्जियाँ चॉप कर ली हैं बहुत ही अच्छे तरीके से वॉश कर इस तरह से। यहाँ पर मैंने जवे लिए हैं, दो प्यारी जवे लिए हैं मैंने यहाँ पर। और फ्रेंड यहाँ पर मैंने आधा टेबल स्पून राई ली है, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने सोया सॉस लिया है, और यहाँ पर 2 टेबल स्पून विनेगर लिया है मैंने, और यहाँ पर आधा टेबल स्पून काली मिर्च ली है, ब्लैक पेपर। और यहाँ पर हमारा पानी बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है, हमें पानी बहुत अच्छे से बॉयल कर लेना है। तो अपने जवे ऐड कर दूँगी मैं, पानी हमें बॉयल करने तक के लिए तभी ऐड करने हैं जवे, जिससे कि ये आपस में चिपके नहीं। और फ्रेंड आधा टेबल स्पून में इसमें नमक ऐड कर दूँगी, और 2 से 3 टेबल स्पून में इसमें मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दूंगी। और अब हम इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड देख कितने अच्छे से बॉयल आता जा रहा है, हमें इन्हें 5 मिनट के लिए पकाना है बस। और हमें एक कनी रखनी है, ज़्यादा नहीं पकाने हैं हमें इनको, जिससे कि आपस में चिपके नहीं। इसी तरह से ट्राई करना, आप भी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को पूरी देखें। और फ्रेंड कमेंट करके बताना कि आपको कैसी लगी रेसिपी। तो देखिए कितने अच्छे से बॉयल आ रहे हैं, इसी तरह से हमें चलाते रहना है जिससे कि आपस में चिपके नहीं। और देखिए माशाल्लाह से कितने अच्छे से पकते आ रहे हैं, गैस का फ्लेम कर देना है हमें लो। तो फ्रेंड आप नूडल की जगह ये बनाकर खाओगे एक बार तो आप नूडल बनाना भूल जाओगे। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो आप घर पर जब आपको भूख लगे तो आप बहुत जल्दी बना सकते हो इन्हें, 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर ये बनकर तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड देखिए 5 मिनट हो गए हैं, बहुत अच्छे से उबल गए हैं हमारे जवे। और अब मैं गैस का फ्लेम कर दूंगी बंद, और इनको अब हम एक चन्ने में निकाल लेंगे। तो गैस का फ्लेम कर दिया है मैंने बंद। तो फ्रेंड देखिए मैंने एक छन्ने में निकाल लिया है इनको, अब इन पे हम ठंडा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि ये बहुत अच्छे से ठंडे हो जाए और आपस में चिपके भी नहीं। इस पे हम फ्रिज का पानी ऐड कर देंगे ठंडा। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने एक और पैन लिया है, और इसमें मैं 2 से 3 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल ऐड कर दूंगी, और इसमें मैं राई ऐड कर दूंगी, और उसमें प्याज ऐड कर दी है मैंने, प्याज ऐड कर दी है। सारी सब्जी मुझे अभी इसी तरह से ऐड कर देनी है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से यहाँ पर मटर लिए हैं, मैंने आपको दिखाना भूल गई थी सॉरी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मटर लिए हैं, और मटर भी इस तरह से हम रोस्ट कर लेंगे। और फ्रेंड अब मैं पत्ता गोभी ऐड कर दूंगी, और फ्रेंड मैंने गाजर भी ऐड कर दी है, तो गाजर भी मैंने ऐड कर दी है, और इसी तरह से मैं रोस्ट कर लूँगी। और फ्रेंड इसी तरह मैं शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी, और फ्रेंड जो बाकी बची हुई सब्जियाँ हैं वो सभी मैंने ऐड कर दी हैं। देखिए फ्रेंड मैंने सारी सब्जियाँ ऐड कर दी हैं, और हमें 2 से 3 मिनट के लिए इनको बहुत अच्छे से पका लेना है जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी। तो फ्रेंड मैंने जब अभी भी नमक ऐड किया है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दूँगी सब्जियों में भी, और आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड देखिए 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छे से सब्जी हमारी सॉफ्ट हो गई है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी जो मैंने बॉईल किए हुए जवे हैं। तो देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से खिले खिले बने हैं। देखिए फ्रेंड मैंने सारे जवे ऐड कर दिए हैं, आपको तीखे पसंद हो तो आप इसमें कुछ और भी मिला सकते हो तीखापन के लिए, ज़्यादा लाल मिर्च आप ऐड कर सकते हो, ग्रीन चिली भी आप ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं तीखी नहीं बना रही, स्पाइसी नहीं बना रही हूँ, तो मैं नॉर्मल बना रही हूँ। तो फ्रेंड अब मैं इसमें सोया सॉस ऐड कर दूंगी, सोया सॉस ऐड कर दी है मैंने, यहाँ पर मैं विनेगर ऐड कर दूंगी। और फ्रेंड यहाँ पर मैंने काली ब्लैक पेपर लिया है, वो भी मैं इसी में ऐड कर दूंगी। अब हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो देखिए फ्रेंड मैंने कितने अच्छे से मिक्स कर लिया है, सब्जियाँ भी कितनी अच्छे से दिख रही हैं, और देखने में मिर्ची कितना अच्छे से कलर आ रहा है। तो मैं इस पर चाट का मसाला ऐड कर दूंगी 1 टेबल स्पून, जिससे कि स्वाद और अच्छा हो जाए। तब फ्रेंड हम इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी तरह से, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आए हमारा।
और सब्जियाँ भी कितने अच्छे से दिख रही हैं। तो आप भी इसी तरह से ट्राई करना एक बार, जिस तरह से मैंने ट्राई किया है। खाने में बहुत ही ज़्यादा चायकेदार लगते हैं और टेस्टी भी। तो फ्रेंड, गैस को फ्लेम कर दिया है मैंने बंद, बंद कर तैयार हो गई है हमारी नूडल्स बहुत अच्छे से। तो चलिए आपको डिश आउट कर दिखाते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझे बहुत सारा प्यार दें। अल्लाह हाफिज़। अगली रेसिपी के लिए बाय बाय।